पिछले 10 साल से कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए आईपीएल में जो दिन थे वह पतझड़ के थे, लेकिन गौतम गंभीर के केकेआर में वापस आते ही उनके जो दिन हैं वह भर के आए हैं और केकेआर ने 10 सालों के बाद एक बार फिर आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द खबरदार न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ शिवम कुशवाहा। इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें सीजन के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को एक तरफा अंदाज में 9 विकेट से हरा दिया। कोलकाता ने 2014 के बाद पहली बार आईपीएल खिताब अपने नाम किया। कोलकाता ने तीसरी बार आईपीएल जीतने का कारनामा किया है। करोबो लड़बो और जीतबो, कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने इस नारे को सही साबित कर दिखाया है। आईपीएल 2024 के फाइनल में कोलकाता की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया भी, वो लड़ी भी और अंत में उसने खिताबी जंग जीत भी ली। चेन्नई में खेले गए फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हरा दिया। शाहरुख खान की टीम ने तीसरी बार आईपीएल का खिताब जीता और पूरे 10 साल बाद ये टीम चैंपियन बनी। कोलकाता ने 2024 में आखिरी बार आईपीएल जीता था, उस वक्त कप्तान गौतम गंभीर थे और इस सीजन ये खिलाड़ी टीम का मेंटोर है और उनकी गाइडेंस में ये टीम एक बार फिर से चैंपियन बनी है। बता दें, कोलकाता नाइट राइडर्स ने फाइनल मुकाबला एक तरफा अंदाज में जीत लिया है। चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और पैट कमिंस का ये फैसला टीम को उल्टा पड़ गया। हैदराबाद की पारी पहले ओवर में ही लड़खड़ा गई। केकेआर के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने अभिषेक शर्मा को 2 रन पर बोल्ड कर दिया। इसके बाद अगले ओवर में वैभव अरोड़ा ने ट्रेविस हेड को खाता भी नहीं खोलने दिया। राहुल त्रिपाठी 9 रन बना सके। मार्करम 20, नीतीश रेड्डी 13 और क्लासेन 16 रन बना कर आउट हुए। कुल मिलाकर हैदराबाद की टीम 113 रन ही बना सकी। केकेआर के गेंदबाजों ने सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग चारों खाने चित कर दी। रसेल ने महज 19 रन देकर 3 विकेट लिए। स्टार को 2 कामयाबियां मिली। हर्षित राणा ने 2 विकेट लिए। नरेन ने 4 ओवर में 16 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। चक्रवर्ती ने 9 रन देकर 1 विकेट लिया। बता दें, चेन्नई की जिस पिच पर हैदराबाद की बल्लेबाजी फ्लॉप रही, वहां कोलकाता के बल्लेबाजों ने कहर ही ढा दिया। नरेन ने 6 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसके बाद गुरबाज और वेंकटेश अय्यर ने 51 रनों की साझेदारी कर टीम को आईपीएल चैंपियन बना दिया। वेंकटेश अय्यर ने 26 गेंदों में नाबाद 52 रनों की पारी खेली। तो कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों ने ही पूरे टूर्नामेंट में गजब योगदान दिया। टीम के लिए सबसे ज्यादा 488 रन सुनील नरेन ने बनाए। फिल सॉल्ट ने 435 रनों का योगदान दिया। वेंकटेश अय्यर ने 46 की औसत से 368 रन बनाए। श्रेयस अय्यर ने भी 350 रन ठोके। गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती ने सबसे ज्यादा 21 विकेट लिए। रसेल और हर्षित राणा के नाम 19-19 विकेट रहे। मिचेल स्टार्क और नरेन ने भी 17-17 विकेट हासिल किए। वैभव अरोड़ा ने 11 विकेट हासिल किए हैं। खबरों के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों से बने रहने के लिए जुड़े रहें द खबरदार न्यूज के साथ।